नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू एस सी के जी स्टडीज एंड एस सी के जी 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। एंड इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 76 to 90 ऑफ पेपर वन विच वॉज हेल्ड ऑन 11 मार्च 2023। जैसा आपको पता है, क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करते जा रहे हैं और क्वेश्चन पेपर के कुछ एमसीक्यू लेते हैं और उसका न सिर्फ आंसर हम बताते हैं बल्कि उस चैप्टर को पूरा डिस्कस करके चलते हैं। पर्पस ये होता है कि उस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, क्रिएट हो सकते हैं, उन सब की कंसेप्चुअल क्लैरिटी हमारे पास होनी चाहिए। उस चैप्टर से जितने भी प्रश्न यूपीएससी उठाना चाहे उठा ले, हम इतने सक्षम हो कि उस चैप्टर को हम सॉल्व कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट पेज है, हिंदी वाला फर्स्ट पेज होता है, इंग्लिश वाला लास्ट पेज होता है। ये क्वेश्चन पेपर नंबर 1 है, टेस्ट बुकलेट सीरीज डी है, टाइम अलाउड 2 आवर्स दैट इज 120 मिनट्स एंड क्वेश्चन इज ऑल्सो 120 क्वेश्चन। सो 120 क्वेश्चन, 120 मिनट, एवरेजली 1 क्वेश्चन 1 मिनट, इट इज जस्ट एवरेज। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक ही पेज का एक क्वेश्चन का स्टेटमेंट हो, उसमें समय लगेगा। बट कुछ ऐसे भी सिचुएशन हो सकते हैं जहां पर हार्डली 2 लाइन 3 लाइन के स्टेटमेंट हो, वहां पर 10-20 सेकेंड में भी आंसर मिल जाते हैं। इसलिए ये एवरेज टाइमिंग है। मैक्सिमम मार्क्स 150 है एंड टोटल क्वेश्चंस 120 है, दैट मीन्स 1.25 मार्क्स पर क्वेश्चन। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इसमें रॉन्ग आंसर के लिए पेनाल्टी का प्रोविजन है। जी हाँ, कोई भी अगर रॉन्ग आंसर होता है तो उसके लिए जितना मार्क्स उस क्वेश्चन के लिए डिटरमाइंड किया गया है, उसका 1/3 पेनाल्टी के रूप में काट दिया जाता है। इसलिए सबसे अच्छा ये होगा कि हम सिर्फ उन्हीं और उन्हीं प्रश्नों को हम अटेंड करें जिनका आंसर हमें आता है। नो गेसिंग गेम, गेसिंग गेम मे लैंड टू निगेटिव मार्किंग, पेनाल्टी प्रोविजन, राइट। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें, लाइक करें। आपके मन में अगर कोई भाव है उनको आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस बींग द ओल्डेस्ट लिम्ब ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज द आउटकम ऑफ विच चार्टर एक्ट इनेक्टेड बाई ब्रिटिश पार्लियामेंट। प्रश्न ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, जिसको ओल्डेस्ट लिम्ब ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है, मतलब सबसे पुराना डिपार्टमेंट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है, होना भी चाहिए ना, एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है लॉ एंड जस्टिस। लॉ एंड जस्टिस के बिना एडमिनिस्ट्रेशन हो ही नहीं सकता, तो इसलिए ये ओल्डेस्ट पार्ट होगा। प्रश्न ये उठता है कि किस चार्टर्ड एक्ट के द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, इनमें से किस चार्टर्ड एक्ट के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। वाजिट 1793, 1813, 1833 और it was 1853। एंड प्रोबेबली गेसिंग गेम इज नॉट गोइंग टू वर्क हियर। सो यहाँ पर जिन लोगों ने भी इंडिपेंडेंट इंडिया, जिन लोगों ने भी जो इंडिपेंडेंस, इंडियन इंडिपेंडेंस, फ्रीडम स्ट्रगल जिन्होंने पढ़ा होगा, जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ा होगा और जिन्होंने पॉलिटी की ज्ञान रखी होगी, उनको ये आंसर करना आ जाएगा। नहीं आता है तो इसका आंसर है द चार्टर एक्ट 1833। मॉडर्न हिस्ट्री में ये है। आइए देख लेते हैं इसका डिस्कशन। चार्टर एक्ट 1833, दिस एक्ट वॉज अ वाटरशेड मोमेंट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में कह रहे हैं।
इट इलेवेटेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सो आपको कमेंट बॉक्स में ये डालना है कि ये जो स्टेटमेंट आ रहा है, एक्ट ऑफ 1833 इलेवेटेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सो हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इसको आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे। एंड कंसोलिडेटेड एंड सेंट्रलाइज्ड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इट मेड द ईस्ट इंडिया कंपनी अ ट्रस्टी ऑफ द क्राउन इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आपको पता है हाँ, यहाँ पर बहुत से चेंजेज हुए हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो यहाँ पर आए और उन्होंने बहुत से चेंजेज किए और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो क्राउन के अधीन होकर रह गई। द एक्ट प्रोवाइडेड टू फ्रीली एडमिट इंडियंस इनटू एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री। सो 1833 एक्ट के द्वारा जो इंडियन थे उनको क्या हो गया, जो एडमिनिस्ट्रेशन में भी उनका पार्टिसिपेशन होने लगा। द एक्ट सेपरेटेड द लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल इन काउंसिल फ्रॉम एग्जीक्यूटिव फंक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, पहले क्या होता था, लेजिस्लेटिव फंक्शन एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन दोनों जो थे वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास थे। 1833 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा लेजिस्लेटिव फंक्शन को एग्जीक्यूटिव फंक्शन से अलग कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पर भी एक प्रश्न बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से प्रश्न बनता है, ऐसा कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो ये कहता है कि एग्जीक्यूटिव और ज्यूडिशरी ये दोनों अलग होने चाहिए, सेपरेशन ऑफ ज्यूडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। यहाँ पर जो है लेजिस्लेटिव फंक्शन की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लेजिस्लेटिव फंक्शन एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन को सेपरेट किया गया। हमारा प्रश्न ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में एग्जीक्यूटिव फंक्शन को ज्यूडिशरी से अलग किया गया है, किस में इसका प्रोविजन है, कमेंट बॉक्स में अगर आप जानते हैं तो जरूर डालें, नहीं जानते हैं तो देख करके भी डालें, राइट। द लॉ कमीशन अंडर लॉर्ड मैकाले कोडिफाइड द लॉस। सो यहां से कोडिफिकेशन शुरू होता है इसी एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 रिप्लेसिंग द 1966 रूल्स हैव बीन फ्रेम्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो इसमें भी कोई गेसिंग गेम नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल है वो 124 से शुरू होता है और इसमें क्या है, 143, 144, 145 सबको मेंशन कर दिया है। सो गेसिंग गेम इज नॉट गोइंग टू वर्क। 124 से लेकर के प्रोबेबली 147 आर्टिकल तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में, 148 में सीएजी आ जाते हैं। सो इसलिए इसका जो आंसर है वो आर्टिकल 145 है। आर्टिकल 145 में क्या प्रोविजन है, क्यूरेटिव पिटीशन का प्रोविजन है। अ क्यूरेटिव पिटीशन इज ए पिटीशन विच रिक्वेस्ट द कोर्ट टू रिव्यू इट्स ओन डिसीजन इवन आफ्टर अ रिव्यू पिटीशन इज डिसमिस्ड। सो क्यूरेटिव पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट के हाथ में एक बहुत बड़ा हथियार है। केसेज आते हैं कोर्ट में, हियरिंग होती है, जजमेंट भी होते हैं, लेकिन समय के अनुसार उस जजमेंट में बदलाव की ज़रूरत कभी कभी जान पड़ती है। तो जब समय के अनुसार जजमेंट में बदलाव की ज़रूरत पड़ती है तो सुमोटो सुप्रीम कोर्ट जो है अपने जो भी डिसीजन है उसको वो क्यूरेटिव पिटीशन में फिर से उसको रिव्यू कर सकती है। ये एक बहुत बड़ा हथियार सुप्रीम कोर्ट के पास है और इसके चलते बहुत से अमेंडमेंट जो है, बहुत से पहले के डिसीजन है, आप एके गोपालन का 1951 का डिसीजन देख लीजिए,
मेनका गांधी का डिसीजन देख लीजिए, केशवा भारती का डिसीजन देख लीजिए, सब में 1951 से सुप्रीम कोर्ट का अपना ही स्टैंड बदलते गया है, समय के अनुसार बदलते गया है। द इशू ऑफ क्यूरेटिव पिटीशन गेंड प्रोमिनेंस ड्यूरिंग द निर्भया केस। निर्भया केस आपको पता ही होगा, प्रोबेबली 2012 का है, व्हेन टू ऑफ द कन्विक्ट फाइल द सेम पिटीशन अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट डिसीजन आफ्टर द मर्सी एंड रिव्यू पिटीशन हैड बीन रिजेक्टेड। दिस आर्टिकल विल गिव फर्दर डिटेल्स अबाउट द क्यूरेटिव पिटीशन। क्या है इसमें? द फर्स्ट नोन इंस्टेंस ऑफ द क्यूरेटिव पिटीशन वॉज ड्यूरिंग द रूपा अशोक हुरा वर्सेस अशोक हुरा केस इन 2002। द क्वेश्चन एरोज वेदर द एग्रीव्ड पार्टी वॉज इंटाइटल टू एनी रिलीफ रिगार्डिंग द फाइनल जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सो क्या है, क्यूरेटिव पिटीशन का कहा जा रहा है कि फर्स्ट केस जो आया वो 2002 में आया, रूपा अशोक हुरा वर्सेस अशोक हुरा केस में। इसमें क्या था, केस डिस्कस हो गया था, डिस्कस होने के बाद से जजमेंट हो गया था। जजमेंट होने के बाद जो एग्रीव्ड पार्टी थी उनको लगा कि क्या अभी भी हमारे पास कुछ रिलीफ के ऑप्शन अवेलेबल हैं या नहीं, इसलिए वो फिर से सुप्रीम कोर्ट चले गए। इट वॉज देन डिसाइडेड दैट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ इट्स प्रोसेस। देखिए क्या किया है सुप्रीम कोर्ट, यहां से अपने ही डिसीजन को टर्न अराउंड करता है, ग्राउंड क्या डालते हैं, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ प्रोसेस एंड प्रिवेंट एनी इंसिडेंट ऑफ ए मिसकैरेज ऑफ जस्टिस द सुप्रीम कोर्ट वुड रिकंसिडर इट्स जजमेंट विद इन द लिमिट्स ऑफ इट्स पावर। दस द टर्म क्यूरेटिव पिटीशन वॉज डेराइव्ड। सो क्वेश्चन अराइज हो सकता है, नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्यूरेटिव पिटीशन फर्स्ट टाइम कब फाइल किया गया, कब पिक्चर में आया, किस केस में आया, तो इसका भी आंसर हमारे पास होना चाहिए। प्रोसीजर ऑफ ए क्यूरेटिव पिटीशन। अ क्यूरेटिव पिटीशन इज सपोर्टेड बाय आर्टिकल 137 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जैसा कि हमने आपको बताया आर्टिकल 124 से सुप्रीम कोर्ट का प्रोविजन है। कौन सा पार्ट है, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 है, पार्ट 3 डायरेक्टिव, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स हो गए, पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हो गए, पार्ट 4 ए आता है और पार्ट 5 में यूनियन आ जाता है, और यूनियन में ही सुप्रीम कोर्ट का प्रोविजन दिया गया है। एज पर द आर्टिकल इन मैटर्स ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन मेड अंडर आर्टिकल 145 द सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू रिव्यू एनी जजमेंट और ऑर्डर मेड बाई इट। अ क्यूरेटिव पिटीशन नीड्स टू बी मेड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द जजमेंट पास्ट। MCQ क्वेश्चन एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यूरेटिव पिटीशन कैन बी फाइल्ड, अ क्यूरेटिव पिटीशन नीड्स टू बी मेड विद इन 30 डेज। सो इसका लिमिटेशन है, टाइम लिमिटेशन है, 30 डेज के भीतर ही क्यूरेटिव पिटीशन को शुरू किया जा सकता है। अ पिटिशनर कैन फाइल अ क्यूरेटिव पिटीशन ओनली इफ द रिव्यू पिटीशन हैज बीन डिसमिस। सो जजमेंट हुआ, जजमेंट के बाद से रिव्यू पिटीशन हुए, रिव्यू पिटीशन डिसमिस हो गया, अब कोई उपाय बचा नहीं है, फिर भी अगर लगता है कि यहाँ पर जस्टिस जो है वही डेंजर में है, सही जस्टिस नहीं हुआ है, तो क्यूरेटिव पिटीशन का ऑप्शन बनता है। इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर फ्रॉम द पिटीशन टू स्टेट टू और असर्ट स्पेसिफिकली द ग्राउंड ऑन विच। ग्राउंड तो मेंशन करना है ना, बिना ग्राउंड का तो कोई पिटीशन ही फाइल नहीं होगा। अ क्यूरेटिव पिटीशन इज इंटरटेन्ड इफ इट हैज बीन established that there has been a violation of the principle of natural justice. So हमें क्या करना है, violation of principle of natural justice को सामने लाके खड़ा करना पड़ेगा। हमारे जो principle of natural justice है इसका बहुत अच्छी तरीके से एक बड़ा सा क्लास हमने डाल रखा है, अगर आप उसको अभी तक नहीं देखे हैं तो constitution वाले में ही, polity वाले में ही playlist में होगा, उसको आप देख लें। So हम जब curative petition डालेंगे तो उसमें हम मेंशन करेंगे
कि जो जजमेंट हुआ है दैट वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, वो हमें प्रूव करना पड़ेगा, तभी जाकर के क्यूरिटी पिटीशन अब एक्सेप्ट भी हो गया। द क्यूरिटी पिटीशन इज सर्कुलेटेड टू अ बेंच कंसिस्टिंग ऑफ 3 सीनियर मोस्ट जजेस। सो क्यूरिटी पिटीशन जो होगा उसी बेंच के पास जाएगा जहां पे 3 सीनियर मोस्ट जज बैठ रहे हों, राइट? एंड द जजेज हु हैड पास्ड द ओरिजिनल सेंटेंस इफ पॉसिबल। सो क्यूरेटिव पिटीशन को अगर हो सके, रिटायर हो गए तो अलग बात है, और नहीं तो अगर वो अभी भी जज हैं तो प्रयास ये करना है कि ये क्यूरेटिव पिटीशन उसी बेंच में डाला जाए जिस बेंच ने इसको हियर किया था। शुड अ रिक्वेस्ट फॉर एन ओपन कोर्ट हियरिंग बी मेड, सो ओपन कोर्ट हियरिंग भी के लिए रिक्वेस्ट किया जा सकता है। इफ द पिटीशन लैक्स एनी ग्राउंड फॉर रीजनेबल कंसिडरेशन देन द कोर्ट वुड इम्पोज एग्जेम्पलरी कॉस्ट ऑन द पिटिशनर। आजकल एक ट्रेंड चल चुका है, सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन दे फट से उसके अगेंस्ट में चले जाइए, रिव्यू में चले जाइए, क्यूरेटिव में चले जाइए, लाइन लगी रहती है, कुछ ना कुछ लेकर के लोग चले ही जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर ध्यान देना है, ये जो प्रोविजन बने हैं दे आर फॉर द सेक ऑफ जस्टिस बने हैं, नॉट टू किल द जस्टिस। बहुत लोग हैं, उनके अपने अपने इंटरेस्ट हो सकते हैं, तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि अगर कोई भी कहीं से भी घुमा फिरा करके क्यूरेटिव पिटीशन कोर्ट में लेके चला जाता है और वो प्रूव नहीं कर पाता है कि देर इज लैक ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, बढ़िया से एग्जेम्पलरी कॉस्ट उन पर लगाइए। एग्जेम्पलरी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? पेनाल्टी होता है, ऐसा पेनाल्टी लगाइए कि फिर ऐसा कोई पिटीशन ना ला सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज द फिनटेक ओपन समिट, करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। आपको पता ही है हमारे क्वेश्चन पेपर में करेंट अफेयर का वैल्यू है, वेटेज है, सो ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। विच इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज द फिनटेक ओपन समिट? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, UIDAI, नीति आयोग, सेबी। तो ऐसा कोई समिट रिजर्व बैंक करता नहीं है। UIDA को क्या करती है? गवर्नमेंट अपने अपने तरीके से रेगुलेट करती है, और सेबी का इससे कोई लेना देना है ही नहीं। सो अगर गेसिंग गेम भी करना हो तो इट मे रिलेट टू नीति आयोग। सो फिनटेक ओपन समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय नीति आयोग। नीति आयोग क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये किसको रिप्लेस करके बनाया गया है? प्लानिंग कमीशन को, योजना आयोग के बदले में नीति आयोग लाया गया है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। अश्विनी वैष्णव किक्स ऑफ नीति आयोग फिनटेक ओपन समिट। इन एन एफोर्ट टू शोकॉस द इंपॉर्टेंस ऑफ फिनटेक इंडस्ट्री, नीति आयोग इन कोलाबोरेशन विद फोन पे, AWS, अमेजन वेब सर्विसेज एंड EY हैज ऑर्गेनाइज्ड 3-week long virtual summit FinTech Open from February 7 to 20th. The summit was inaugurated by Union Minister for Railway Communication and Electronics and IT Ashwini Vaishnaw in the presence of Niti Aayog Vice Chairman Dr. Rajiv Kumar. So, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? नीति आयोग ने फोन पे, अमेजन वेब सर्विसेस के कोलाबोरेशन से 7 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी के बीच में 3 सप्ताह का लंबा सा एक वर्चुअल सबमिट किया। कौन सा था? वर्चुअल सबमिट था। क्या नाम हुआ इसका? फिनटेक ओपन सबमिट। सो फिनटेक ओपन सबमिट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट मिशन ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत? आपने ये नारा तो सुना ही होगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत।
कहीं ना कहीं हमारी इंटीग्रिटी एंड यूनिटी को एक 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 सिंबलाइज करता है। सो प्रश्न यह है कि विच वन इज नॉट अ करेक्ट मिशन। तो हमें ये चार को पढ़ने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर नहीं आता। टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट विच प्रमोट्स लर्निंग बिटवीन स्टेट्स बाय शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड एक्सपीरियंस। सो एनवायरनमेंट विच प्रमोट्स लर्निंग बिटवीन स्टेट्स बाय शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ एक्सपीरियंस। तो अगर एक राज्य दूसरे राज्य से जो भी उनके पास जो प्रैक्टिसेस हैं उसको शेयर करते हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, साझा करते हैं, तो इससे तो इंटीग्रिटी बढ़ती है, यूनिटी बढ़ती है। तो ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर आएगा ही। नेक्स्ट, टू एस्टैब्लिश लॉन्ग टर्म इंगेजमेंट। ये भी सही है क्योंकि इंडिया जो है ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है और इसमें क्या करना है, हर स्टेट को एक दूसरे स्टेट से कुछ किसी न किसी तरीके से इंगेज रहना है, सेंट्रल गवर्नमेंट से इंगेज रहना है। तो हमें लगता है ये भी सही है। नेक्स्ट, टू शो केस द रिच हेरिटेज एंड कल्चर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ ए स्टेट। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। अब अगर चौथा भी सही हो जाता है इसका मतलब कि इस क्वेश्चन को यूपीएससी को विड्रॉ करना पड़ेगा और नहीं तो चौथा ही इसका आंसर होगा। तो देखते हैं, टू फोस्टर द फीलिंग ऑफ नेशनहुड। एक भारत श्रेष्ठ भारत, टू फोस्टर द फीलिंग ऑफ नेशनहुड। ऐसा है, टू फोस्टर द फीलिंग ऑफ नेशनहुड जो है ये फंडामेंटल ड्यूटीज में मेंशन किया हुआ है, आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज में ये मेंशन किया हुआ है। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है उसको रिपीट करेगा किसी स्कीम में मुझे लगता नहीं है। तो डी सही लग रहा है, नॉट करेक्ट जो है ये डी लग रहा है, देखते हैं क्या। सो डी इज द करेक्ट आंसर, इट इज नॉट कवर्ड अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत। आइए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम सिग्निफिकेंस एंड हाईलाइट। द एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ऑन एकता दिवस। आपको पता ही है एकता दिवस कब मनाते हैं, 31 अक्टूबर को मनाते हैं। किसके यादगार में मनाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के याद में मनाते हैं एकता दिवस। इन्होंने ही पूरे भारत को एक किया था, देसी रियासतों को रजवाड़ों को एकत्रित किया था, तो इसलिए एकता दिवस इनके नाम पर 31 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। जब 2015 में एकता दिवस मनाया गया तो 31 अक्टूबर 2015 को एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया ऑन द ओकेशन ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। इट ड्रॉस इंस्पिरेशन फ्रॉम द लाइफ ऑफ इंडियाज फ्रीडम फाइटर। ठीक है, सो सरदार वल्लभ भाई पटेल के याद में 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी 31 अक्टूबर 2015 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम लॉन्च किया। राइट, द स्कीम वॉज लॉन्च टू सेलिब्रेट द कल्चरल वाइब्रेसी ऑफ इंडिया वाइल एस्टैब्लिशिंग अ स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म टू इनकल्केट नेशनलिज्म एंड कल्चरल अवेयरनेस अमंग द सिटीजन्स ऑफ आर नेशन। सो पर्पस क्या था, पर्पस ये था कि जो हमारी कल्चरल वाइब्रेंसी है, हर जगह के कल्चर अलग अलग हो सकते हैं लेकिन सब सम्माननीय है, तो उनको सेलिब्रेट करने के लिए, कल्चरल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, नेशनलिज्म बढ़ाने के लिए, किसके बीच में, भारत के नागरिकों के बीच में बढ़ाने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम को लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया,
31 अक्टूबर 2015 को। द स्कीम वॉज लॉन्च टू सेलिब्रेट द कल्चरल वाइब्रेंसी ऑफ इंडिया। इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू स्ट्रेंथन कल्चरल रिलेशन ऑफ वेरियस रीजन्स। द स्कीम एम्स एट सेलिब्रेटिंग यूनिटी इन डाइवर्स कल्चर। अंडर इट रिच कल्चर हेरिटेज कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ ईदर स्टेट विल बी शोकेस्ड। इट एम्स एट कंडक्टिंग वेरियस एक्टिविटीज थ्रू आउट द ईयर अंडर द कंपेन टू स्ट्रेंथन सेंटीमेंट्स फॉर नेशनल यूनिटी। बैकग्राउंड क्या है इसका? इंडिया इज ए कल्चरली रिच कंट्री एंड आइडेंटिटी बाई ए रिच हिस्ट्री ऑफ कल्चरल इवोल्यूशन। सो भारत जो है संस्कृतियों का देश है, धरोहरों का देश है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ पाई जाती है और विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों में होते हुए भी हम एक रहे हैं और इसीलिए इस स्कीम का नाम भी पड़ा एक भारत श्रेष्ठ भारत। इन एन एरा ऑफ टेक्नोलॉजी विच हैज रिड्यूस्ड जियोग्राफिकल बाउंड्रीज इट इज इम्पोर्टेंट टू इस्टाब्लिश कल्चरल एक्सचेंजेस बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स एज ए मीन्स टू फर्दर ह्यूमन बॉन्डिंग एंड ए कॉमन अप्रोच टू नेशन बिल्डिंग। सो जब सूचना क्रांति चारों तरफ फैल रही है, जब टेक्नोलॉजी का विकास इतना तीव्र गति से हो रहा है, तो क्यों ना हम जियोग्राफिकल बाउंड्री से बाहर निकल करके एक दूसरे के कल्चर को समझें, एक दूसरे के कल्चर को अपनाएं, एक दूसरे के कल्चर को एक्सेप्ट करें। इसी से तो नेशन बिल्डिंग होती है। इसलिए इस काम स्कीम का नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। दस अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एमसीक्यू का आ सकता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत किस मिनिस्ट्री के अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। सो अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू इनकरेज द पीपल ऑफ इंडिया टू लर्न अबाउट द कल्चर ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज। सो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। किस लिए? कि डिफरेंट टाइप के जो भी कल्चर हैं, डिफरेंट टाइप के जो भी स्टेट हैं, वो एक दूसरे के साथ अपने कल्चर को, अपने संस्कृति को साझा करें और प्रमोट अ स्ट्रॉन्गर एंड यूनाइटेड इंडिया। राइट, ऑब्जेक्टिव क्या है? द की एम इज टू प्रमोट द इंडियन आइडियोलॉजी ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आपको पता ही है हम अनेकता में एकता वाले देश हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सो द पहला जो ऑब्जेक्टिव है, द की एम इज टू प्रमोट द इंडियन आइडियोलॉजी ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया टू फोस्टर अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी अमंग द पीपल ऑफ कंट्री। Through this program, government aims at establishing long-term engagement, promoting the national spirit of national integration. The cross-culture interaction will help in building the feeling of one nation among all the citizens of the country. Mission and vision kya hai? To celebrate the unity in diversity, to promote the spirit of national integration, to showcase the rich हेरिटेज एंड कल्चर, टू इस्टाब्लिश लॉन्ग टर्म इंगेजमेंट, टू क्रिएट एन एनवायरमेंट दैट प्रमोट्स लर्निंग बिटवीन द स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द एरिया ऑफ द कंसर्न ऑफ सोशल डिफेंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सो सीधा सीधा प्रश्न ये है कि इनमें से कौन सा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर नहीं आता? सब्सटेंस एब्यूज प्रिवेंशन, सोशल जस्टिस की बात हो रही है, एम्पावरमेंट की बात हो रही है, तो सब्सटेंस एब्यूज प्रिवेंशन आना चाहिए, केयर ऑफ ओल्डर पर्सन आना चाहिए, बेगरी प्रिवेंशन एंड वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर्स आना चाहिए,
मिनिमम वेजेज ऑफ लेबर, फिर यहां पर आ गया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यहां पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मिनिमम वेज ऑफ लेबर आ गया डी में, और ये इसमें नहीं होगा, सो डी इज द करेक्ट आंसर। आइए देख लेते हैं। सो ये जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है उसके अंदर क्या क्या आते हैं, शेड्यूल कास्ट रिलेटेड इशू, अदर बैकवर्ड क्लासेस रिलेटेड इशू, सीनियर सिटीजन्स इशू, विक्टिम्स ऑफ सब्सटेंस अब्यूज, डी नोटिफाइड नोमेडिक एंड सेमी नोमेडिक ट्राइब्स, बेगर्स, ट्रांसजेंडर्स, ये सारे पॉइंट उस क्वेश्चन में थे, सिर्फ वो जो मिनिमम वेजेस वाला था उसको छोड़ करके, मिनिमम वेजेस को छोड़ करके बाकी सब इसमें थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया। तो ये तो मुझे लगता है ये सबके लिए इजी है। वाइट रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, मिल्क से, दूध से। सो रिवॉल्यूशन का अर्थ होता है क्रांति, क्रांति का मतलब क्या होता है, बदलाव। तो जब रिवॉल्यूशन से हम चीजों को जोड़ते हैं तो कुछ इस तरीके से पॉजिटिव बदलाव की तरफ जोड़ते हैं जिसने उस क्षेत्र में पहले के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, बदल डाले उसके सारे नियम और नया रिकॉर्ड कायम कर दिया, उसको रिवॉल्यूशन कहते हैं। जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित, उसी तरीके से वाइट रिवॉल्यूशन दुग्ध क्रांति इसको बोलते हैं। सो वाइट रिवॉल्यूशन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ द वाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर अमृता पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो कुछ तो आप ऐसे ही सीधे सीधे ऑड आउट कर सकते हैं, अगर आप इसका आंसर नहीं भी जानते हैं तो कुछ ऑड आउट कर सकते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे, ये देश को स्वतंत्र होने के बाद से ये पहले शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, कितने लंबे समय तक रहे होंगे, दो टर्म रहे होंगे। सो इसलिए वाइट रिवॉल्यूशन इनके समय में तो हुआ नहीं होगा। लाल बहादुर शास्त्री जी अल्प समय के लिए भारत के प्रधानमंत्री बने थे और रसिया में अज्ञात स्थिति में उनका निधन हो गया। सो लाल बहादुर शास्त्री से वाइट रिवॉल्यूशन को जोड़कर देखा भी नहीं जा सकता है। डॉक्टर अमृता पटेल हैं, उनका भी इस क्षेत्र में कोई विशेष योगदान नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। जी हाँ, डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है, ही इज नोन एज द फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया। अब अगर यूपीएससी ने वाइट रिवॉल्यूशन के बारे में पूछ लिया, अगली बार उसको रिपीट करेगा क्या, शायद नहीं। तो उस चैप्टर से और क्वेश्चन क्या बनते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किसे कहते हैं। सो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, एम एस स्वामीनाथन। वाइट रिवॉल्यूशन, वर्गीस कुरियन। मिल्कमैन ऑफ इंडिया, वर्गीस कुरियन। फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन, डॉक्टर अरुण कृष्णन, याद कर लीजिए। ब्लू रिवॉल्यूशन जो है डॉक्टर अरुण कृष्णन ने किया है। फादर ऑफ इंड्यूस्ड ब्रीडिंग, प्रोफेसर हीरालाल चौधरी। फादर ऑफ पिंक रिवॉल्यूशन, दुर्गेश पटेल। फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन, निरपंख तुटेश। फादर ऑफ रेड रिवॉल्यूशन, विशाल तिवारी। सो हमने इसमें से गिनती के वही लिए हैं जो जनरली एग्जाम में आते हैं, इसके अलावे भी बहुत से रिवॉल्यूशन है, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन है जिनको आपको नहीं भूलना चाहिए। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम में आप अपीयर होने रहे हैं, यू विल नॉट अफोर्ड टू फॉरगेट एटलीस्ट दिस रिवॉल्यूशंस एंड देयर फादर्स। तो ये तो रिवॉल्यूशन एंड उनके ओरिजिनेटर कौन है, उनके फादर कौन है, इसके बारे में हुआ। क्या रिवॉल्यूशन से सिर्फ यही प्रश्न बनते हैं, शायद नहीं। रिवॉल्यूशन से एक प्रश्न और भी बनता है, और वो ये है कि कौन सा रिवॉल्यूशन किस चीज़ से रिलेटेड है। जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन किस चीज़ से रिलेटेड है,
वाइट रिवॉल्यूशन किस चीज़ से रिलेटेड है, ब्लू रिवॉल्यूशन किस चीज़ से रिलेटेड है, ये भी तो क्वेश्चन बनता है ना, इसको भी समझ लेते हैं। ब्लैक रिवॉल्यूशन, जो ब्लैक रिवॉल्यूशन है वो पेट्रोलियम से रिलेटेड है, याद कर लीजिए, इसको भूल नहीं सकते आप, जैसे भी होता है आपको ये याद रखना है। एक बार का प्रैक्टिस कीजिए, दो बार का प्रैक्टिस कीजिए, तीन बार का प्रैक्टिस कीजिए, यू विल नॉट अफोर्ड टू फॉरगेट सच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन वंस यू आर अपियरिंग फॉर एनी बिग एग्जाम्स। सो ब्लैक रिवॉल्यूशन पेट्रोलियम से रिलेटेड है, ब्लू रिवॉल्यूशन फिश मछली से रिलेटेड है, ब्राउन रिवॉल्यूशन लेदर से रिलेटेड है, गोल्डन रिवॉल्यूशन फ्रूट और हनी से रिलेटेड है, ग्रीन रिवॉल्यूशन फूड ग्रेन से है और इसमें मोस्टली व्हीट का क्रॉप्स बढ़ा था, प्रोडक्शन बढ़ा था, ग्रे रिवॉल्यूशन फर्टिलाइजर से, इम्पॉर्टेंट है, एसएससी के एग्जाम में भी आता है ये, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में भी आता है। पिंक रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू ऑनियन, रेड रिवॉल्यूशन मीट प्लस टोमेटो, दोनों के लिए रेड रिवॉल्यूशन ही यूज किया जाता है। सिल्वर रिवॉल्यूशन सो एग एंड पोल्ट्री के लिए है, वाइट रिवॉल्यूशन अभी हमने देखा, वाइट रिवॉल्यूशन यहाँ पे मिल्क से रिलेटेड है, येलो रिवॉल्यूशन आयल सीड्स से रिलेटेड है, एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन ओवरऑल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। सो यहाँ पर हमने प्रयास किया है कि जो भी रिवॉल्यूशन है उससे मिलता जुलता यहाँ पर हम फिगर भी डालते जाएं और तब हम आगे उसको मेंशन किए हैं। पर्पस ये है कि फिगर जो है हमारे माइंड में ज़्यादा देर तक रिटेन करता है, चाहे जो भी तरीका हो, चाहे जो भी तरीका बने लर्न करने के लिए, हमें याद आना चाहिए। सो आप ये दोनों चार्ट लर्न कर ही लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी ऑफ इंडिया इज द इंस्टीट्यूशन बाई नेम नेशनल वाटर एकेडमी NWA, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, कोची, और इसमें कोई गेसिंग गेम काम नहीं करेगा। सो नेशनल वाटर एकेडमी कहाँ पे है, पुणे में है, खड़गवासला में है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड द मॉडर्न पोस्टल सिस्टम इन इंडिया ड्यूरिंग 1766। प्रश्न ये है कि पहली बार पोस्टल सिस्टम जो भारतीय डाक है ना, सो डाक सिस्टम को इंडिया में पहली बार इनमें से किसने लागू किया, इन्होंने हिंट क्या दे दिया है 1766 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस क्वेश्चन में ही है, यहाँ पर 1766 दिया है ना, तो हिस्ट्री तो आपने पढ़ा होगा, तो हिस्ट्री में 1766 में कौन था, 1766 में हिस्ट्री में कौन था, वारेन हेस्टिंग्स, ये तो 73 में आए थे, ये सब बाद में आए। 1766 में सिर्फ और सिर्फ लॉर्ड क्लाइव आए थे, लॉर्ड क्लाइव ने ही बंगाल और बिहार पर अधिकार करके और जो कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको भारत में स्थापित किया था 1766 में। तो उसी समय मॉडर्न पोस्टल सिस्टम की भी स्थापना इंडिया में की गई। आइए देख लेते हैं, द मॉडर्न पोस्टल सिस्टम ऑफ प्रिफर्ड फैसिलिटेटर ऑफ कम्युनिकेशन इन ब्रिटिश इंडिया वॉज इस्टैब्लिश्ड इन इंडिया बाई लॉर्ड क्लाइव इन 1766 एंड इट वॉज फर्दर डेवलप्ड बाई वॉरेन हेस्टिंग्स इन 1774। सो 1766 में 1766 में लॉर्ड क्लाइव ने इसे स्थापित किया था और इसका विस्तारीकरण जो किए वो वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1774 में किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज इनिशिएटेड विकासपीडिया इंडिया डेवलपमेंट गेटवे टू एम्पावर द पुअर रूरल एंड अर्बन। विकासपीडिया एक टर्मिनोलॉजी है, प्रश्न यह है कि किस मिनिस्ट्री ने इसको इनिशिएट किया है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स,
मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। फिर से हम प्रश्न पढ़ते हैं, शायद कुछ वहां पर क्लू मिल जाए। विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज इनिशिएटेड द विकासपीडिया इंडिया डेवलपमेंट गेटवे टू इम्पावर पुअर पीपल। सो पुअर पीपल को इम्पावर करने के लिए एक्सटर्नल मिनिस्ट्री का कोई रोल है? नहीं है, तो ये सी ऐसे ही आउट हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्या कर लेगी पुअर पीपल के लिए? वो बच्चों की एजुकेशन कर सकती है, पुअर पीपल का क्या कर लेगी? ये भी आउट हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, ये मोस्टली जो होता है इनका इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं, सो ये भी नहीं होंगे। सो डी सी बी ये तीनों नहीं होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देखिए ऐसा है हमारे पास विकिपीडिया है, सो विकिपीडिया के ही तर्ज पर ये विकासपीडिया है, तो विकिपीडिया क्या है? इलेक्ट्रॉनिक है, सो विकासपीडिया इज ऑल्सो कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सो ए इज द करेक्ट आंसर। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। विकासपीडिया इज एन ऑनलाइन इंफॉर्मेशन गाइड लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द वेबसाइट वॉज इम्प्लीमेंटेड बाई सी टेक हैदराबाद एंड इज रन बाई डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच इवेंट डिड द 94-year-old भगवानी देवी क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग ए गोल्ड मेडल। सो ये प्योरली करंट अफेयर है, इसके रिपीट होने की दूर दूर तक प्रोबेबिलिटी नहीं है। ये इंडिकेट सिर्फ यही करता है कि स्पोर्ट्स इवेंट्स जो होंगे करंट वे भी आ सकते हैं। इसका आंसर रहेगा 100 मीटर स्प्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट फ्रॉम द G7 इनफॉर्मल फोरम ऑफ द लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशंस। सो इसमें G7 में कौन नहीं आता है? फ्रांस आता है, इंडोनेशिया, जर्मनी, जापान। सो इसको देख करके प्राइम एफेसी हम बोल सकते हैं कि फ्रांस G7 में होता है, जर्मनी फिर G7 में होता है, जापान फिर G7 में होता है, इंडोनेशिया नहीं होता, नहीं होता इंडोनेशिया। तो G7 में कौन कौन से कंट्री हैं आइए देख लेते हैं। G7 में 7 डेवलप्ड कंट्रीज का ग्रुप है, जापान, USA, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, ये G7 कंट्री है। हाँ, जापान, USA, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस। UNO के 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, तो उनको पहले ढूंढते हैं। तो UNO के जो 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, USA है 1, इंग्लैंड है 2, फ्रांस है 3। सो 3 तो USA के परमानेंट जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर होते हैं उनका नाम हो गया, बाकी जापान, इटली, कनाडा एंड जर्मनी। प्रश्न ये है कि ऐसा क्या करें कि इसको हम इस तरीके से याद करें कि हम भूल ना पाए। है कोई ट्रिक जिससे हम G7 के सारे मेंबर्स का नाम याद कर सकें? तो इसके ट्रिक को जाने से पहले हम आपको छोटा सा क्लू देते हैं। क्या होता है, जितने भी ये डेवलप्ड कंट्री है ना, यहाँ के कल्चर कुछ इस तरीके से हैं कि वहाँ के जो मेल होते हैं वो अपने गर्लफ्रेंड को जूस पिलाने ले जाते हैं। जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं वहाँ के जो मेल कह लीजिए, जेंट्स कह लीजिए, सो अपने जो फीमेल पार्टनर होती हैं, जो फीमेल पार्टनर को क्या बोलेंगे इंडिया में, गर्लफ्रेंड बोलेंगे, सो अपने गर्लफ्रेंड को जूस पिलाने ले जाते हैं। इंडिया में भी लोग अपने गर्लफ्रेंड को जूस पिलाने ले जाते हैं। अपने घर में भले 1 kg का एप्पल खरीद के लाएँ चना आए, गर्लफ्रेंड को ले जा करके उधर पता नहीं किस किस के जूस पिलाते हैं। आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान में रखना है गर्लफ्रेंड को जूस पिलाया। क्या किए, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाया, ये ट्रिक याद रहेगा, पक्का याद रहेगा। तो गर्लफ्रेंड से क्या होगा,
गर्ल का जी और फ्रेंड का एफ, तो जी से जर्मनी हो जाएगा और एफ से फ्रांस हो जाएगा। तो गर्लफ्रेंड यहाँ नीचे आ गया। और जूस का स्पेलिंग आपको पता है, जे यू आई सी ई, ये जूस होता है। तो गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना है, तो जर्मनी और जापान के बाद, जर्मनी एंड फ्रांस के बाद जे से जापान, यू से यूएसए, आई से इटली, सी से कनाडा एंड ई से इंग्लैंड। सो गर्लफ्रेंड को जूस पिलाते रहिए, जी से बन के ट्रिक याद रहेंगे। तो ट्रिक क्या बनता है, जूस विद गर्लफ्रेंड, आप ये देख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपको याद हो जाएंगे। उसके साथ साथ अभी क्या करना है, करंट अफेयर्स में कुछ इंटरनेशनल समिट्स होते हैं, शिखर वार्ता जिसको कहते हैं हिंदी में। सो कुछ शिखर वार्ताएं होती हैं जिनके जिनमें से निकाल करके कोई ना कोई प्रश्न यूपीएससी डाल देता है, ठीक है। आइए उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 2023 में G7 की समिट कहाँ पे हुई, जापान में। तो हमने शुरू कहाँ से किया था, ये देखिए, ये जापान से शुरू किया था, जूस विद गर्लफ्रेंड में जापान से ही शुरू हो रहा है। तो इसलिए 2023 में जी समिट है वो जापान में हुई थी, आपको याद रहेगी। G20 समिट, मुझे लगता है इसको तो कोई यूपीएससी वाला भूलेगा नहीं, क्योंकि G20 के दिल्ली समिट के चलते ही यूपीएससी का एग्जाम पोस्टपोन करना पड़ा है। सो G20 2023 समिट इंडिया में हो रहा है। COP28 जो है 2023 का यूएई में, एससीओ समिट इंडिया में, ब्रिक्स समिट साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स समिट 2022 लास्ट ईयर चाइना, रायसीना डायलॉग न्यू दिल्ली, यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस न्यू वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनेशनल डांस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 29th अप्रैल टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ, सो इसमें भी कोई गेसिंग गेम नहीं चलेगा। इंटरनेशनल डांस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये तो क्वेश्चन बनता ही है, बट प्रश्न यहां पर ये नहीं है कि कब सेलिब्रेट किया जाता है। प्रश्न यहां पर वो बता रहे हैं कि 29 अप्रैल को सबमिट किया, सेलिब्रेट किया जाता है। प्रश्न ये है कि किसकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए इंटरनेशनल डांस डे 29 अप्रैल को ही ऑब्जर्व किया जाता है। सो कोई गेसिंग गेम नहीं, इसके जो आंसर होंगे ये बी है, जीन जॉर्जेस नोवेरे। आइए जान लेते हैं, वर्ल्ड डांस डे इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज इंटरनेशनल डांस डे एंड इज सेलिब्रेटेड ऑन अप्रैल 29 टू कॉमेमोरेट द बर्थ डे ऑफ जीन जॉर्ज नोवेरे, अ फ्रेंच डांसर एंड बैलेट मास्टर नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न बैलेट। सो नाम याद रहेगा, जीन जॉर्जेस नोवेरे, डेट याद रहेगा अप्रैल 29, कौन सा फंक्शन, क्या क्या डेट है, इंटरनेशनल डांस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेड न्यूज़पेपर इन द वर्ल्ड। देखिए ऐसा है, जब भी न्यूज़पेपर की बात आती है और चाहे जब भी पेपर की बात आती है तो अनायास ही हम चाइना को टिक कर देते हैं, कर देते हैं हमारा, क्योंकि पेपर की इंडस्ट्री जो है चाइना से ही विकसित हुई है ऐसा कहा जाता है, और चाइना का पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेड न्यूज़पेपर इन द वर्ल्ड, अगर आता है तो हम क्या करते हैं, चाइना को टिक कर देते हैं। अगर आप 2010 तक ये टिक मार करते चाइना तो आप सही होते, अभी सिनारियो चेंज हो चुका है और अभी लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेड न्यूज़पेपर्स आर प्रिंटेड इन इंडिया, इंडिया है सरपास्ड चाइना। और ऐसे ऐसे जब भी सरपासिंग सिचुएशन आएंगे वे क्वेश्चन पेपर यूपीएससी के एग्जाम में बंद कराएंगे। आइए फैक्ट देख लेते हैं, इंडिया हैज द लार्जेस्ट न्यूज़पेपर सर्कुलेशन इन द वर्ल्ड, चाइना इज नेक्स्ट टू इंडिया। एंड कुड बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, विच अमंग द फॉलोइंग इज इंटरेस्टेड विद द गार्डिंग ऑफ इंडो नेपाल एंड इंडो भूटान बॉर्डर्स। सो नेपाल बॉर्डर और भूटान बॉर्डर पर
बॉर्डर सुरक्षा के लिए इनमें से किनको तैनात किया जाता है? कमांडो बटालियन फॉर रिसोल्यूट एक्शन, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स, सशस्त्र सीमा बल? तो इसमें थोड़ा सा गेसिंग गेम काम कर सकता है। सीआरपीएफ जो है जनरली देश के अंदरूनी हिस्सों में जहां जहां भी डिस्टरबेंस होती है वहां वहां पर सीआरपीएफ को इंटरनली लगाया जाता है, बॉर्डर पर नहीं लगाते। रैपिड एक्शन फोर्स जो है आरएएफ जो है एक क्विक रिएक्शन टीम है, ये जहां पर जरूरत पड़ती है वहीं पर भेज दिया जाता है, इनका अलग से कहीं पर परमानेंट स्टेशन करके नहीं रखा जाता, इसलिए ये भी नहीं होगा। कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन, ये क्या है? ये एक आर्मी के अंदर इंटरनल पार्ट है, ये भी नहीं हो सकता। तो जब तीन नहीं हो सकते तो निश्चित रूप से चौथा होगा और उसका नाम है सशस्त्र सीमा बल, एसएसबी। आइए देख लेते हैं, एसएसबी गार्ड्स इंडो नेपाल एंड इंडो भूटान बॉर्डर्स इन द आफ्टरमाथ ऑफ चाइनीज इनकर्सन इन 1962। सशस्त्र सीमा बल वॉज फाउंडेड एज ए स्पेशल सर्विस ब्यूरो इन मे 1963। इन जून 2001 एसएसबी वॉज डेजिग्नेटेड एज लीड इंटेलिजेंस एजेंसी फॉर इंडो नेपाल एंड गिवेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इंडो नेपाल बॉर्डर। सो एसएसबी है सीमा सुरक्षा बल है जो नेपाल बॉर्डर पर भूटान बॉर्डर पर तैनात रहती है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पेपर और इसके सॉल्व किए हुए आंसर समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी फैक्ट इसमें नया लगता है आप दूसरी बार या तीसरी बार इसको देख लीजिए, इसके सारे फैक्ट आपके दिमाग में घुस जाएंगे, नहीं निकलेंगे बाहर। आज का नीति श्लोक, विद्यानाम नरस्य कीर्तिर तुला भाग्य छे सास्रयो, धेनु काम दुधा रतिश्च विरहे नेत्राम तृतीयम चसा, सर सत्कार यंतम कुलस्य महिमा रत्ने विनाम भूषणम तस्मान दन्यम उपिच्छ सर्वविश्य विद्याधिकरम कुरु। अर्थात विद्या अनुपम कीर्ति है, भाग्य का नाश होने पर वह आश्रय देती है, कामधेनु है विरह में रति समान है, तीसरा नेत्र है सत्कार का मंदिर है, कुल का महिमा है, बगैर रत्न का आभूषण है, इसलिए अन्य सब विषयों को छोड़ करके विद्या का अधिकारी बने, विद्यावान बने। ये जो श्लोक है ये श्लोक भगवत गीता से लिया गया है। भगवान श्री कृष्ण धनंजय अर्जुन को कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दे रहे हैं, ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं और वहाँ पर बातों ही बातों में विद्या का गुणगान करने लगते हैं और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन विद्या अनुपम कीर्ति है, भाग्य का नाश होने पर वह आश्रय देती है, कामधेनु है विरह में रति समान है, तीसरा नेत्र है सत्कार का मंदिर है, कुल महिमा है बगैर रत्न का आभूषण है, इसलिए अन्य सब विषयों को छोड़ करके विद्यावान बनो। हमें भी यही शिक्षा मिलती है कि विद्या अगर है सब कुछ है, विद्या कामधेनु है जो सर्वत्र काम आती है, विद्या सत्कार का मंदिर है, कुल की महिमा होती है, वगैरह रत्न का ही आभूषण है, इससे सुंदर सौंदर्य कोई आभूषण शायद ही होता होगा, इसलिए हम सब विद्वान बने विद्यावान बने। ये आपका चैनल एसीकेजी स्टडीज, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। दूसरा चैनल एसीकेजी 2.22, इसको भी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। आरटीआई की क्लासेज इसी पर है, डेप्टी डायरेक्टर की क्लासेज इसी पे है, एसएसओ के प्रोबेशन क्लियरेंस एग्जाम के क्लासेस यहीं पर है। जब मौका मिले आकर के यहाँ पर ज्ञान अर्जन करें। मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नए ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ। तब तक प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग। नमस्कार।